तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका अपना लवलीश। और तो गाइस, एक प्रॉब्लम हो गई थी जो मैं वीडियो नहीं बना पाया, और जो मेरा चैनल था लवलीश पार्थ के नाम से, तो गाइस वो किसी कारण से यूट्यूब वालों ने मेरा हटा दिया। तो पता नहीं, मुझे बहुत दुख हुआ था गाइस। तो अब मैंने फिर से नया चैनल बनाया अपना लवलीश लाइफस्टाइल के नाम से। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आपने उसको प्यार दिया मेरे को इस चैनल में मेरे को प्यार दिया जाता। तो गाइस, मैं आपसे को देखूँगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जाऊँगा गाइस। तो गाइस बस चलते हैं। और आज मैं उठता हूँ, तो गाइस आज दिन भी कितना अच्छा था, सोमवार है। तो गाइस भोले बाबा का दिन है, हर हर महादेव। तो मेरे को मंदिर निकलना है, और मंदिर निकलना है मेरे को, तो मैं नहा धो के रेडी होता हूँ, फिर निकलते हैं मंदिर। तो करण का कॉल आया था, करण कह रहा भाई जल्दी आ जाए यार, लेट हो गए, उसको जॉब पर जाना था। तो मैंने कहा चल मैं आता हूँ नहा धो के, जल्दी रेडी होता हूँ। तो गाइस जल्दी रेडी होता हूँ मैं, अभी ऐसे तल सही लग रहा। और तो मेरा स्विच भी उठ गया, ये देखो। तो गाइस ये मेरा स्विच हूँ, मैं जान गाइस। तो गुड मॉर्निंग इससे होती है मेरी, देख लो गाइस। तो अब मैं निकलता हूँ, जल्दी से रेडी होता हूँ। चले सोचो, अब हम रेडी होते हैं जल्दी से। रेडी होने के बाद मैं सीधा मंदिर के दर्शन कराऊँगा आपको, का मंदिर जाना है मुझे। तो गाइस चलता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, और आपका भाई और कुछ बोले हवा के गाने चल गए। तो गाइस मैं रोकता हूँ गाने, और क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है गाइस, तो इसलिए मैंने सॉन्ग थोड़ा रोक दिया। तो मॉर्निंग में सुबह सुबह मेरे घर के अंदर सॉन्ग चलते हैं डेली का है। और अब मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो काफ़ी पहले से लेट हो गया। तो आपका भाई कैसा लग रहा है? तो करण भी बहुत देर से बेचारा वेट कर रहा है मेरा घर से बाहर। तो मैं जा रहा हूँ, फ़ोन पे फ़ोन आ जा रहा है कि भाई आ जाए, जो ड्रॉप पे जाना है मेरे को। तो बस मैं निकलता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस मैं घर से बाहर आ गया, और करण भी खड़ा है, और रोहित भाई भी खड़े हैं। तो रोहित भाई कह रहे मेरे को भी चलना है भाई मंदिर। तो मैंने कहा भाई चलो गाइस मंदिर में मिलते हैं आप लोगों से भी। तो गाइस शाम बाबा के दर्शन भी कर लो, और सांबा के दर्शन तो हो गए गाइस। हम सुबह सुबह पहले उठते हैं, तो पहले सांबा के कर देते हैं दर्शन, और दर्शन के बाद फिर हमारा इतना बड़ा मंदिर है घर के पास ही। तो हमारे मंदिर ये रहा देखो, गाइस चलते हैं फिर। तो गाइस हम निकल चुके, अब हम स्कूटी पे जा रहे हैं गाइस। तो क्योंकि ना हम कार में जाना था, तो कार में लेने जाते, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग की ना बहुत दिक्कत होती है। तो हम इसलिए स्कूटी पे जा रहे हैं, क्योंकि स्कूटी से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कंफर्टेबल है यहाँ पर। कोई गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम होती है, जाम भी नहीं होता, ट्रैफिक भी बहुत होता है, तो पता ही यहाँ पर चाहे जो कितना ट्रैफिक है टोटल के लिए पास। तो इसलिए हम कार नहीं लेके जा रहे गाइस, तो हम स्कूटी से ही जा रहे हैं। अब करंट भी जा रहा है, एक ही भाई जा रहे हैं हम स्कूटी पर। तो चलते रास्ते में निकल चुके हम। तो गाइस बीच के अंदर एक्सीडेंट हो गया, बेल वाले को मार दिया, देखते ही नहीं है ये लोग बाग, बस के चलते बताते हैं देखते ही नहीं है ना। आप बस वाले किसी को हम देखते हैं रोड पर चलते रहे ना, वो तो जानवर है, जानवर है बेचारा, वो देखो और देखते नहीं है, मतलब रोड पर कैसे तेज चलाने, कैसे चलानी। और हाईवे समझते, छोटे से रोड को हाईवे समझते, रोड समझते हैं जब वो जिसकी साइड रेडपोर्ट रेडपोर्ट भी आएगा रेडपोर्ट है। और तो गाइस हम साइकिल मार्केट पहुंच गए, अगर तुम्हें बच्चों के लिए साइकिल वगैरह लेनी है तो यहाँ मिल जाती है, तुम्हें सस्ती मिल जाती है, अच्छे रेट में मिल जाती है, मतलब कि ना। तो काफ़ी दुकान है यहाँ पर, होलसेल मार्केट है, तो अच्छे मिल जाना है यहाँ पर। तो आप यहाँ ट्राई करना अगर बच्चों के लिए कुछ आपको चाहिए, खिलौने विलौने और घड़ी वड़ी जो भी चाहिए वो चीज़ मिलती है यहाँ पर। तो आप पहुँच ही गए, जस्ट बस मंदिर पहुँच ही गए हम। और सामने देख लो रेड फोर्ट आ गया, है ना, और हर महादेव। मंदिर पहुंच गए, तो आप दर्शन कर सकते हो, बाहर का व्यू देख सकते हो मंदिर का। तो गाइस मंदिर तो पहुंच गए, अब प्रसाद लेना है, अब मैं प्रसाद लेके आता हूँ। करण प्रसाद ले ले,
करण ले लेता पर साथ एक ही चला लेता, कोई दिक्कत नहीं है। करण ने ले, मैंने ले, एक ही बात है ले ले। तो गाइस प्रसाद ले ले और प्रसाद महादेव के लिए ले चल लिया, पेड़े ले लिए गाइस चलाने के लिए बाबा के मंदिर के लिए। और यहाँ चला भी सकते हो, आगे चलाने फूल वगैरह माला वगैरह चलानी है तो चला सकते हो गाइस। तो आप चलते हैं मंदिर में, एंट्री करते हैं मंदिर में। और यहाँ पर फ्री टेस्ट चल रहे हैं, डॉक्टर बैठे हुए फ्री टेस्ट चल रहे हैं मंदिर के पास। तो गाइस जूते उतारते हैं यहाँ पर। तो गाइस ये मेरे शूज है, जुराब क्या अंदर गीला है तो टोकन मिल गया गाइस मेरे को। ये टोकन है मेरा, ये टोकन है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, जस्ट मंदिर में एंट्री करते हैं। और मंदिर में एंट्री करने से पहले पहले हाथ वॉश करेंगे, क्योंकि अभी हमने शूज उतारे थे तो मंदिर में हाथ धोते हैं। तो गाइस हाथ धो लेते हैं मंदिर में, क्योंकि हमने वो उतारे थे ना जूते उतारे थे, तो वही अब हम। तो गाइस फाइनली हाथ वॉश करने के बाद हम निकलते मंदिर के अंदर, और बाबा भी बैठे हैं, साधु बाबा बैठे हमारे, तो जा रहे मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। तो गाइस मंदिर में दर्शन करते हैं। हर महादेव। तो गाइस मंदिर में एंट्री हो चुकी है हमारी। तो गाइस मंदिर के दर्शन कर लो। आज भीड़ बहुत है गाइस, इसलिए वीडियो भी जल्दी से अलाउ नहीं कर रहे थे, बाकी मैंने बहुत मुश्किलें करी। अब चलते आगे आपको दर्शन कराते हैं। गाइस दर्शन तो हो चुके हमारे अच्छे से, आपने देखा ही होगा बाकी। तो अब नंदी के हम नंदी जी से प्रार्थना मांगते हैं। तो गाइस फाइनली आपको खाटू श्याम के भी दर्शन करा दिए और महादेव के भी दर्शन करा दिए। तो आगे चलते हैं आपको और भगवानों के भी दर्शन कराते हैं। तो गाइस मेरे पीछे रह रहे राधा कृष्ण जी है, विष्णु भगवान, शेर वाली माता है ये गाइस। तो गाइस और राधा कृष्ण जी है, राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लीजिए। फाइनली हमारे दर्शन हो चुके, हम जा रहे हम। तो भाई
सामने भी नंदी जी बैठे देख सकते हो आप, दर्शन हमारे हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं। हमारे और दर्शन के बाद तो हम जा रहे हैं, अब गाड़ी भी निकाल रहे हैं वहाँ से, तो गाइस मंदिर देख सकते हो आप, दर्शन हमारे हो चुके करण ये रहा, तो हम जा रहे हैं। निकाल लो भाई गाड़ी, रोहित भाई निकाल रहे गाड़ी। तो गाइस देखते हैं, कुछ भूख लग रही है, आप कुछ कचौरी वचौरी खाएंगे, क्योंकि सुबह नाश्ता भी नहीं किया था और खाली पेट आ गए थे, तो मन के तो खाली पेट आना चाहिए वैसे सबको, तो कुछ खाते हैं नाश्ता करते हैं। ठीक है रोहित भाई, चलो बैठते हैं। तो गाइस अब निकल रहे हैं घर के लिए, घर के लिए चलो भाई। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और अब निकल चुके हम। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं काली मस्जिद, हम दर्द पर कचौरी खाने आए, हम कचौरी वाला हमारा आओ गुरु क्या ले नहीं चल रहा कम। ये भाई हमारे पुराने बंदे हमारे पहले से, अब पहले दिल्ली गेट पर काम करते थे भाई हमारे ब्रेड वालों के पास, अभी यहाँ पर आ गए। तो पहले तो हम चखाते थे कमल कचौरी वाले थे, अब इन चखाते भाई सब जो पुराने तो वही है कमल कचौरी वाले, अभी हम भाई हमारे इसलिए तो इसलिए हम इनसे खाते हैं। भाई लगा देना कचौरी, कचौड़ी तो हमने खा ली। तो पहले हम यहाँ से खाता था, मैं पहले कमल भाई थे, तो हम मैं खाता हूँ इस वाली की, क्योंकि ये हमारा पुराना बंदा था, पहले हम दिल्ली गेट पर ब्रेड खाते थे उससे, तो हम उसी से खाते थे पहले ब्रेड भी, तो इसलिए हम अब मैं उससे नहीं खाता, कमल भाई थे इसी से खाता हूँ मैं। तो इसकी भी कचौड़ी सेम है, मतलब टेस्ट तो दोनों का सेम ही है। तो लस्सी भी एक नंबर बना रखी है, और बाकी इसके रेट भी ना बहुत ठीक है, मतलब 20 रुपये में 3 कचौरी और 20 रुपये 30 रुपये की लस्सी भी है, बड़ी लस्सी 20 की है 30 की है, मतलब सारे रेट पे मिल जाएगी लस्सी। तो मैं तो कचौरी ज़्यादा खाता नहीं, मैं तो एक ही कचौरी खाई है, क्योंकि मैं वैसे भी डाइट पर हूँ, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा और सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, सो के उठ के मंदिर चले गए थे नहा धोकर, और फिर भूख लगी मंदिर से आने के बाद, फिर हम यहाँ गए हमदर्द पे, तो कचौरी का नाश्ता कर लिया सुबह सुबह, और करण भी देखो लस्सी पी रहा है, हम दोनों लस्सी पी रहे हैं, भूख लगी। और रोहित भाई तो आए नहीं पाए, रोहित भाई कह रहे भाई मैं नहीं खा रहा, मैंने ठीक है भाई मत खाओ, हम तो जा रहे हैं खाने के लिए। तो भाई तुम भी अगर तुम आना कचौरी खाने के लिए, तो यहाँ पर विजिट एक बार जरूर करना, भीड़ देख रहे हो कितनी है, बहुत भीड़ हो रही है, जरूर आना भाई। तो अब हम चलते हैं लस्सी पीते और मिलते तुम्हें घर जा रहे हैं। अब हम कचौरी वगैरह खा लिए हमने, नाश्ता वास्ता हो गया हमारा ब्रेकफास्ट, और अब हम घर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहा है, घर की जा रहे हैं, तो घर जाके अब ब्लॉग ख़त्म करेंगे गाइस। तो गाइस फाइनली आ चुके हम घर के पास आ गए, और अब हम यही ब्लॉग ख़त्म करते हैं। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट जो भी है आप इसी चैनल पर देना, अब लवलीश लाइफ स्टाइल पर। तो गाइस यही हमारा मतलब कि चैनल है अब नया, इसी पर मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी पर लाऊँगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बाय बाय, लव यू ऑल।